देख रहे हैं इस वक्त की खबर। चौकीदार पर तवंचा ताने व मारपीट करने की शिकायत पुलिस से। मुरादाबाद जनपद के तहसील ठाकुर द्वारा में आज रात कुछ दबंग युवक शराब पीकर गाली गलौज करने का विरोध करने पर ब्लॉक में चौकीदार के पद पर कार्यरत वीरेंद्र कुमार के ऊपर तवंचा तानकर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली में देकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मदद की गुहार लगाई है। आपको बताते चलें कि ब्लॉक कार्यालय में तैनात चौकीदार व सफाई कर्मी वीरेंद्र कुमार पुत्र मुन्नालाल बाल्मीकि निवासी वार्ड नंबर 2 ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की है कि बीती रात लगभग 11:15 बजे कुछ दबंग युवक ब्लॉक परिसर में घुस आए। युवक अपने कुछ साथियों के साथ खंड विकास परिसर के पीछे शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। आरोप है कि जब उसने उन लोगों से गाली गलौज करने से मना किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। चौकीदार का कहना है कि इस दौरान जब वो इन लोगों से अपने को किसी तरह छुड़ाकर भागा तो एक युवक ने उस पर तवंचे से फायर कर दिया, जिससे वो बाल बाल बचा। आरोप ये भी है कि बाद में सब ने उसे घेर लिया और उस पर तवंचा तान कर उसका मोबाइल छीन कर ले गए। चौकीदार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ZTV न्यूज 24 के लिए ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सफदर। सर क्या मैटर है? मैं रात को ड्यूटी करता हूँ, ब्लॉक ठाकुर द्वारा आकर 11:15 बजे के सर एक ब्लैक कलर की ट्रेजर गाड़ी आई तो चौकी पीट कर दी। आने के साथ ही मेरा एक फायर होगा, फायर करने के बाद में वो लोग बहुत बड़ा मेरा पीट गया। जब वो मैंने जब देखा तो मैं ऑफिस में से आया, मैंने उन लोगों से पूछा भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल की टॉर्च चला रखी थी मैंने, तो वो बोलते हैं भाई तू कौन है और तू हमारी वीडियो बना रही है, और मेरे मुझे गाली वगैरह भगने लगे वो लोग, और उन्होंने आते के साथ ही मेरे चारों तरफ से पकड़ लिया, मेरे पिस्टल लगाई और बोले साले तेरे गोली मार देंगे। उस जो लड़के ने पिस्टल लगाई उसका नाम राहुल है, रातुपुरे का रहने वाला है, उसके साथ चार लोग और थे जिसमें एक का नाम सलाउद्दीन है। घटना कब की है? ये घटना रात कल 11:15 बजे की है। आपने कोई तहरीर वगैरह दी? हमने थाने में दी तहरीर। क्या दिया आश्वासन आपको अधिकारियों ने? यही दिया कि इस पे कार्रवाई करेंगे, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई हो। हाँ, मैं जब छूट के भागने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे ऊपर फायर झोंका एक, और किस तरीके से अपनी जान बचा के वहां से भागा और मेरा मोबाइल छीन लिया, बाद में रास्ते में फेंक के मोबाइल भाग गए वहां से, और मुझे धमकी देते हुए कि तूने अगर किस्सा गया तो तेरे गोली मार देंगे। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।